बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी बनाऊंगी। आप इसकी लुक चेक कर लें, आप इसको देख लें कि ये कितना दिखने में अच्छा लग रहा है और खाने में भी इतना ही मजे का है। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, घर के बेसिक मसालों से मैंने इसे बनाया है। आप इसकी लुक चेक करें जरा, आप इसके क्रम्स देखें कैसे बने हुए हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए अंदर से उतना ही सॉफ्ट है जितना बाहर से क्रिस्पी है। आप इसका कलर भी चेक कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम ब्रोस्ट वगैरह बनाते हैं तो अंदर से ब्लड आता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपके सामने ही बनाया है, तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत जूसी बनेगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड चिकन। तो उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया, उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने एक बाउल में इसमें पानी लिया। पानी लेने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के नमक डाला। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद उस नमक मिले पानी में मैंने चिकन को 1 घंटे के लिए रख दिया। इसका क्या फायदा हुआ? इसका ये फायदा होगा कि जो चिकन में एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह होगा वो निकल जाएगा और चिकन हमारा अच्छे से साफ हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं फिर से इसे दोबारा अच्छे तरीके से वॉश कर लूंगी। चिकन को मैंने नमक वाले पानी से निकाल के वॉश करके तो अच्छे से ड्राई कर लिया है। इसका ड्राई होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अब इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो उसमें है यहाँ मेरे पास, ये देखिए, रेड चिल्ली पाउडर 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर, हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, 1 टीस्पून है मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून है मेरे पास अदरक का पाउडर, लेकिन अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप अदरक का पेस्ट डाल लीजिएगा, 1 टीस्पून ही मैं इसमें गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर डालूंगी, 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून मैं इसमें चाइनीज सॉल्ट डालूंगी, आपके पास ना हो आप ना डालिएगा, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका डालूंगी, सफ़ेद सिरका जो होता है वो, और डाल के हाथों की मदद से अच्छे तरीके से ऐसे जितने भी मसाले हमने डाले हैं सब चिकन पे अच्छे तरीके से लगा देंगे। क्रिस्पी फ्राइज चिकन बनाने के लिए मैंने जो यहाँ चिकन इस्तेमाल किया है वो विदाउट स्किन है। अब मैंने सारे मसाले इस पे अच्छे तरीके से लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे थोड़ा सा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आप इसे सारी रात के लिए रखेंगे फिर तो ये बहुत ही ज्यादा मजे का बनेगा। तो अब मैं इसे थोड़ा रख देंगे। अब हम लिक्विड बैटर तैयार करेंगे, तो उसके लिए यहाँ मैंने एक बॉल लिया है, उसमें हम डालेंगे 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, 1/2 कप मैदा, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट डालेंगे हम थोड़ा सा इसीलिए, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, अब मैं यहाँ इसमें 2 टीस्पून सिरका डालूंगी। अब हम इसमें साथ ही ठंडा दूध डाल लेंगे, दूध है मेरे पास 1 कप डाल के, तो उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध डाल के मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। अगर आपको लगे कि आपका थोड़ा थिक है तो 1-2 टेबलस्पून ऊपर नीचे दूध हो सकता है, या तो 1-2 टेबलस्पून आप और डाल के, तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का बनाइएगा, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ मैंने मैदा ले लिया है, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, ये तकरीबन 1/2 kg से थोड़ा ज्यादा है। और अब यहाँ मेरे पास ये देखिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर वो जो हम केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला बेकिंग पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे को और बेकिंग पाउडर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और यहाँ मैंने चिकन को भी निकाल लिया है। चिकन को मैंने तकरीबन 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था, लेकिन आप इसे सारी रात के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन जब आपको बनाना हो तो आप इसे बनाने से 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल के तो बाहर रख लीजिएगा, फौरन निकालने के बाद ना बनाइएगा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से चिकन लेके तो हम इसमें रखेंगे और अच्छे तरीके से इसमें डाल के उसको ऐसे कोट करेंगे, अच्छे तरीके से दबा दबा के, और एक वक्त में जितने आपको पीस बनाने हो आप उतने ही कोट कीजिएगा, बना बना के तो रखिएगा मत। अब यहाँ चिकन को मैंने मैदे से अच्छे तरीके से कोट कर लिया है, अब हम एक्स्ट्रा मैदा जो है ऐसे झाड़ लेंगे अच्छे से। एक्स्ट्रा मैदा झाड़ के अब हम इसे इस लिक्विड में डालेंगे जो हमने बनाया था, और इसमें अच्छे तरीके से इसे डिप करेंगे, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए, अच्छे से लगा लेंगे। अब हम इसे दोबारा से मैदे में डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से फिर से कोट करेंगे। मैंने इसे अच्छे तरीके से ऐसे कोट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से उठाएंगे और ऐसे हम इसे झटकेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे बहुत अच्छे क्रम्स बन जाएंगे, वो जो हम KFC से चिकन लाते हैं ना वैसे ही बनेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसे हम झटकेंगे ऐसे, एक तो इसमें से एक्स्ट्रा मैदा जो होगा वो उतर जाएगा और दूसरा हमारे क्रम्स भी बन जाएंगे। ये देखिए
देंगे, ऐसे क्रम्स बनेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब चिकन को हम ऑयल में डालेंगे फ्राई होने के लिए। अब इन चिकन पीसेस को हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे बनाया है। और ये देखें आप, इसका कलर देखें, लुक चेक करें जरा, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया हमारा क्रिस्पी चिकन फ्राई। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है, आप इसकी फाइनल लुक देख लें, कितना यमी ये देखने में लग रहा है। मैं अक्सर इसे अपने घर में ट्राई करती हूँ, बहुत मजे का बनता है, तो जरूर बनाइएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, मोहब्बत होती है कि हमारी मेहनत से बनाई गई वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।